हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इन्वेंट्री की एंट्री के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि टैक्सेशन में आजकल सिर्फ जीएसटी ही रह गया है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ जीएसटी नहीं है, जीएसटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर ऐसा कहें कि जीएसटी के ही कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि कहां कहां पर किस किस तरह से उन टैक्सेस का, उन पार्ट्स का यूज़ होता है। तो ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी वीडियो लेक्चर्स हैं मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जीएसटी के पार्ट्स में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो सीजीएसटी केंद्रीय जीएसटी कर को संदर्भित करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा राज्य के भीतर माल और सेवाओं कर के किसी भी लेन देन पर लगाया जाता है। यह प्रत्येक अंतर एक राज्य के भीतर लेन देन पर लगाए गए 2 करोड़ में से एक है। यानी जब भी किसी राज्य में किसी सामान का, माल का या सेवा का कोई भी लेन देन होगा तो वहाँ पर सीजीएसटी लगता है। सीजीएसटी जो कर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वसूल करती है। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि जब सुरेश एक ही राज्य उत्तर प्रदेश में प्रदीप को एक उत्पाद बेचते हैं तो उन्हें 2 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है सीजीएसटी केंद्र सरकार के लिए, जबकि एसजीएसटी राज्य के लिए। सीजीएसटी की दर 9% होती है और जो एसजीएसटी के समान है। सीजीएसटी 1000 रुपये का 9% के आवेदन के बाद उत्पाद की अंतिम लागत 11,800 रुपये हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति सामान बेचेगा तो उसको 2 करोड़ का भुगतान करना होगा, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोनों ही 9% यानी कि 9% लगेंगी। और एग्जांपल के तौर पर 10,000 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो वो आपकी 11,800 रुपये की हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एसजीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों, जैसा कि मैंने बताया, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही साथ लगती हैं किसी भी राज्य में जब भी कोई माल या सेवा का लेन देन होता है। एसजीएसटी राज्य जीएसटी माल और सेवाओं के लेन देन के हर अंतर एक राज्य के भीतर पर लगाए गए 2 करोड़ में से एक है। दूसरा सीजीएसटी है, एसजीएसटी राज्य द्वारा लगाया जाता है, यह सामान बेचे जा रहे खरीदे जाते हैं। यानी जो 2 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 2 टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक तो जी सीजीएसटी हमने भी पहले बताया, और एक जो ये एसजीएसटी है, ये दोनों होते हैं। जैसे कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, इसी तरह से एसजीएसटी जो राज्य सरकार होती है वहीं पर लिया जाता है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ही कोई माल बेच रहे हैं तो वहीं पर आपको दोनों चीज़ें यानी कि दोनों टैक्स देने होंगे। इसको इस तरह से देख लेते हैं, राजस्थान से सुरेश राजस्थान में प्रदीप को कुछ सामान बेचता है ना, यानी कि दोनों राजस्थान से हैं सुरेश और प्रदीप दोनों। मूल रूप से 10,000 रुपये की कीमत वाला उत्पाद जीएसटी को 18% की दर से 9% सीजीएसटी दर और 9% एसजीएसटी दर से आकर्षित करेगा। यह एसजीएसटी राशि, कर राशि 900 रुपये 10,000 रुपये का 9% है, जिसका राजस्थान सरकार, राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से दावा किया जाता है। एसजीएसटी के बाद उत्पाद की दर 10,900 रुपये होगी। यानी जब हम किसी उत्पाद पर एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा देंगे तो 10,000 रुपये की अगर कोई कीमत वाली चीज़ है तो उसकी कीमत 10,900 रुपये हो जाएगी, 9% एसजीएसटी लगने के बाद। उसके बाद उस पर एक सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगेगा, जो हमारा
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो टोटल कीमत जो हो जाएगी वो 11,800 हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ, जब भी आप कोई चीज़ बेचोगे या खरीदोगे या फिर आप कोई कार्य या सेवा पर कर लगाओगे या दोगे, तो दोनों ही सूरतों में आपको CGST और SGST दोनों ही कर देने होंगे। आगे चलते हैं। आपका अगला जो कर होता है यानी कि जो टैक्स होता है वो होता है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये क्या होता है, इसको इस तरह से देखते हैं, एकीकृत GST IGST माल और सेवाओं के साथ साथ आयत पर अंतरराज्यीय यानी कि दो राज्यों के बीच पर लागू होता है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत किया जाता है और संबंधित राज्यों के बीच आगे वितरित किया जाएगा। IGST चार्ज किया जाता है जब एक उत्पाद या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, तो IGST यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य को केवल केंद्र सरकार के साथ सौदा करना है, ना कि अंतर्राज्य कर राशि को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग राज्यों के साथ। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो टैक्स होता है जो आप दो राज्यों के बीच लेन देन पर देते हैं, यानी कि जैसे एक यूपी मान लें और एक राजस्थान मान लें, अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है और वो यूपी वाले को सामान बेच रहा है तो उसको IGST टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, रमेश राजस्थान में एक निर्माता है जिन्होंने राजस्थान में सुरेश को 10,000 रुपये के सामान बेचे। चूँकि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है इसलिए IGST यहाँ लागू होगा। ठीक है, आइए मान लीजिए कि GST दर विशेष वस्तु के लिए 18% है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई IGST राशि 1800 रुपये होगी, यानी कि 10,000 रुपये का 18% होगा और उत्पाद की परिष्कृत दर 11,800 रुपये होगी। यानी कि IGST जब किसी वस्तु पर लगता है तो लगभग 18% लगता है, और जब कोई उत्पाद पर 18% लगेगा, सपोज़ वो 10,000 रुपये का है, तो उसकी जो कीमत हो जाएगी वो 11,800 रुपये हो जाएगी। IGST जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको पे करना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप किसी ऐसे राज्य में संघ शासित प्रदेश सामान और सेवा कर, है ना, जब किसी संघ शासित प्रदेश में सामान का लेन देन करते हैं तो वहाँ पर आपको UTGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना होगा। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीप। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संघ शासित प्रदेश जिनको बोला जाता है, और यहाँ पर जब आप कोई सामान या कोई सेवा का लेन देन करेंगे तो आपको UTGST देना होगा। UTGST प्लस आपका CGST यानी एक तो राज्य कर और एक UTGST यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है उसका कर, दोनों ही कर आपको देने होंगे। ये भी आपका लगभग 18% होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आगे देख लेते हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है दोनों में, सॉरी चारों में, वो देख लेते हैं। जो हमारी डिफरेंसेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होगा और कलेक्टेड बाय किसके द्वारा कलेक्ट होता है और बेनिफिटिंग कौन होता है, किसको लाभ होता है और क्रेडिट कहाँ पर होता है, क्रेडिट प्रायोरिटी कहाँ पर होती है। तो अगर हम एबिलिटी की बात करें तो जो हमारा CGST है वो एक स्टेट के लिए है, ये भी एक स्टेट के लिए है, ये दो स्टेट के लिए है। IGST जैसे कि मैंने बताया एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, दो राज्यों के लिए होता है, तो ये दो राज्यों के लिए है। और हमारा जो UGST है या फिर UTGST है वो हमारा यूनियन टेरिटरी के लिए है। अगर हम कलेक्टेड बाय यानी कि कौन इसको कलेक्ट करता है, CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार को जाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और UTGST या UGST UT गवर्नमेंट यानी कि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को
जाता है। अगर हम बेनिफिटिंग की बात करें तो CGST का जो बेनिफिट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, SGST का स्टेट गवर्नमेंट को होता है, IGST का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है, और UTGST का UT गवर्नमेंट को होता है। और जिनकी प्रायोरिटी देखें तो प्रायोरिटी किस किस को मिलती है, सबसे पहले CGST को मिलती है, उसके साथ IGST, यानी कि CGST के साथ IGST टैक्स लगाया जाता है, SGST के साथ IGST टैक्स लगाया जाता है, IGST के साथ CGST और SGST दोनों लगाए जाते हैं, और UTGST के साथ IGST टैक्स लगाया जाता है। तो इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टैक्सेस को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस किस तरह से इन टैक्स की वाउचर बना करके, ग्रुप्स और लेजर्स बना करके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ कुछ और बेसिक चीज़ें हम GST के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।